आर्थिक रूप से ईडी की मार झेल रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुलदीप बिश्नोई का राजनीतिक अस्तित्व भी आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में दांव पर लगा है। कुलदीप बिश्नोई के मुकाबले भाजपा ने युवा टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट को मैदान में उतारा है। आदमपुर की सीट पर पिछले 50 साल से बिश्नोई परिवार का कब्जा है, लेकिन लोकसभा चुनाव में आदमपुर से भाजपा को मिली बढ़त ने कुलदीप बिश्नोई को चिंता में डाल दिया है, इसलिए पूरा बिश्नोई परिवार आदमपुर में डेरा डालकर बैठा है। दोस्तों, आज हम आदमपुर विधानसभा सीट की राजनीतिक समीकरणों की बात करेंगे। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आदमपुर विधानसभा सीट के संभावित नतीजों के बारे में अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। चलो अब शुरू करते हैं। आदमपुर विधानसभा सीट हिसार लोकसभा क्षेत्र के अंदर आती है। अभी तक हुए 12 विधानसभा चुनाव में से 11 में आदमपुर से बिश्नोई परिवार का सदस्य ही विजय रहा है। 1967 में पहले चुनाव में आदमपुर से हरि सिंह विधानसभा में पहुंचे थे। 1968, 1972, 1977 और 1982 में चौधरी भजन लाल को आदमपुर के लोगों ने विधानसभा में चुनकर भेजा था। 1987 में चौधरी भजन लाल की पत्नी जस्मा देवी आदमपुर से विधायक चुनी गई थी। 1991, 1996, 2000 और 2005 में फिर आदमपुर से चौधरी भजन लाल को विधानसभा के लिए चुना गया। 2009 और 2014 में आदमपुर से कुलदीप बिश्नोई चुनाव जीते थे, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बिश्नोई परिवार को चिंता में डाल दिया है। कुलदीप बिश्नोई ने अपने बेटे भव्य बिश्नोई को हिसार लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर मैदान में उतारा था, लेकिन बिश्नोई परिवार का नौनिहाल भव्य बिश्नोई न सिर्फ अपना पहला चुनाव हारा बल्कि अपने पुश्तैनी गढ़ आदमपुर से भी पिछड़ गया। लोकसभा चुनाव में आदमपुर से भाजपा को भव्य बिश्नोई से करीब 2 गुना वोट मिले थे। यही कारण है कि कुलदीप बिश्नोई पिछले 3 महीने से आदमपुर में डेरा डालकर बैठे हैं। 2014 के विधानसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई की पत्नी रेणुका हांसी से विधायक चुनी गई थी, लेकिन आदमपुर की सीट बचाने के लिए इस बार बिश्नोई परिवार ने हांसी पर दावा ही नहीं किया। पूरा बिश्नोई परिवार अपना आदमपुर का किला बचाने में लगा है। कुलदीप बिश्नोई भाजपा के पूर्व सहयोगी रहे हैं। चौधरी भजन लाल के निधन के बाद कुलदीप बिश्नोई ने हरियाणा जनहित कांग्रेस का गठन किया था। 2014 का लोकसभा चुनाव हरियाणा जनहित कांग्रेस ने भाजपा के साथ मिलकर लड़ा था। 2016 में हरियाणा जनहित कांग्रेस का कांग्रेस में विलय हो गया था, लेकिन भाजपा अपने पूर्व सहयोगी कुलदीप बिश्नोई को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। आर्थिक मोर्चे पर कुलदीप बिश्नोई को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने घेर रखा है। राजनीतिक मोर्चे पर आदमपुर में कुलदीप बिश्नोई की परेशानियां बढ़ाने के लिए भाजपा ने सेलिब्रिटी सोनाली फोगाट को मैदान में उतारा है। भाजपा के सोनाली फोगाट को आदमपुर से चुनाव लड़ाने के फैसले ने राजनीतिक पंडितों को हैरान कर दिया है। सोनाली फोगाट का संबंध नलवा विधानसभा क्षेत्र से है। सोनाली का नाम बरवाला विधानसभा सीट से उम्मीदवार के रूप में चर्चा में था। यही कारण है कि विरोधी पक्ष सोनाली फोगाट को बाहरी बताकर रिजेक्ट करने की अपील कर रहा है। अलावा भाजपा की लहर में चुनावी वेतरनी पार करने की उम्मीद लगाकर बैठे भाजपा के कई नेता भी अंदर खाते सोनाली का विरोध कर रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड स्टार सोनाली का ग्लैमर और भाजपा की लोकप्रियता आदमपुर में कुछ भी करने की कुव्वत रखती है। भाजपा आदमपुर को कितनी गंभीरता से ले रही है, इसका अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि गृह मंत्री अमित शाह आदमपुर में जनसभा करने आ रहे हैं। दूसरी तरफ ईडी की कार्रवाई के बाद आदमपुर में कुलदीप बिश्नोई के प्रति हमदर्दी का भाव है। आदमपुर कुलदीप बिश्नोई का पैतृक हलका है और हरेक मतदाता से बिश्नोई परिवार की निजी पहचान है। इसके अलावा सोनाली फोगाट के मुकाबले कुलदीप बिश्नोई राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी हैं। अगर कांग्रेस में चल रही मारकाट से कुलदीप बिश्नोई बच सके तो अपना गढ़ बचाने में भी कामयाब हो सकते हैं। हरियाणा की वीआईपी सीटों में शुमार होने के बाद भी विकास की दृष्टि से आदमपुर काफी पिछड़ा हुआ है। हालत यह है कि अच्छी मंडी होने के बाद भी आदमपुर को सब डिवीजन का दर्जा नहीं मिल सका है। आदमपुर के लोग मानते हैं कि चौधरी भजन लाल के समय में आदमपुर का विकास जरूर हुआ था, लेकिन चौधरी भजन लाल के जाने के बाद विकास की गति रुक गई है। आदमपुर के किसान सिंचाई के पानी की कमी महसूस कर रहे हैं। आदमपुर शहर की जनता भी पीने के पानी और सीवरेज की समस्या से परेशान है। आदमपुर में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी को छोड़कर सभी प्रमुख पार्टियों ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। इनेलो के राजेश कुदारा,
जेजेपी के रमेश कुमार और बीएसपी के सतबीर चिंपा अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक पंडितों की नज़र कुलदीप बिश्नोई और सोनाली फगाट पर ही लगी हुई है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।